वेलकम बैक माई चैनल। मैं प्रिया, प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉगर से आज मैं आप लोगों के साथ वैलेंटाइन डे मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। मैंने सोचा एक कप चाय के साथ शुरू करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो फिर चाय का टाइम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाय के साथ शुरुआत करती हूँ, अपना मेकअप लुक शुरू करती हूँ। तो पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, लो आप लोग भी पी लीजिए दीदी। तो आप लोगों के लिए पहले जाओ, आप लोग नहीं पी रहे तो मैं पी लेती हूँ। काश ऐसा हो पाता, हम फ़ोन की वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ अपना चाय वाय शेयर करती, काश ऐसा हो सकता, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले मैं अपने हेयर्स को क्लचिंग करती हूँ, नहीं तो मेरे हेयर्स जो है वो फेस पे आएंगे। तो और मैं क्लचिंग कर लेती हूँ। मैं अपने हेयर्स को क्लचिंग कर लेती हूँ पहले, नहीं तो मेरे हेयर्स आके मुझे परेशान करेंगे और मैं तो नहीं हो पाएगा ढंग से। तो मैं अपने हेयर्स को क्लचिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी और अभी मैं इसको ले लेती हूँ थोड़ा सा अपने हैंड पे। निकल जाओ भाई। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सीरम नियोन का। और जब बारी आती है प्राइमर की, तो मैंने ये सेवन सीज़ का प्राइमर लिया हुआ है। इसको फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो सबसे पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद फेस मेकअप। सो गाइस, अब बारी आती है आई मेकअप की, तो अब मैं आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ। तो ये मैंने ब्यूटी बेरी का कंसीलर लिया हुआ है। तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर।
मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर पहले से पानी में डिप करके रखा हुआ था, अब मैं उसी से ब्लेंड कर लेती हूँ। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। और अब बारी आती है शैडो की, तो मेरा ये 7 सीज का पैलेट है छोटा सा, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये वाला शेड पिक करूँगी डार्क पिंक। तो इसके लिए मैं एक ब्रश लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा कंसीलर ब्लेंड हो चुका है, और अब मैं आई पैलेट से, सीज ब्यूटी का आई पैलेट है, सॉरी 7 सीज का, तो मैं इससे ये पिंक वाला शेड पिक कर रही हूँ। तो चलिए, आप अपने कट क्रीज से ही अप्लाई करें। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं डार्क कर रही हूँ इसको। मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने पिंक लिया है, और मेरी ड्रेस मेरी थोड़ी सी डार्क है मेहरून, तो पिंक इसके लाइट पिंक सूट मतलब मैच करेगा। तो इस तरह मैं दोनों आइस में अप्लाई कर लेती हूँ, और सो गाइस अब बारी आती है मस्कारा, नहीं सॉरी लाइनर की। तो अभी मैं इनसाइड का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं इंसाइन का लाइनर पिक कर रही हूँ, सॉरी पिक मैं इंसाइन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए, सो गाइस मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, और यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा चौड़ा ही लगाना है मुझे, थोड़ा सा मोटा लगाना है। मैं ज़्यादा आउटर नहीं जाऊँगी, अभी सही से नहीं लगा, मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। और आप देख सकते हैं इसी तरह मैं दोनों आइज में अप्लाई कर लेती हूँ। बारी आती है मस्कारा की तो अब मैं अप्लाई करती हूँ मस्कारा। तो मस्कारा अप्लाई करती हूँ मुझे फॉल्सेस नहीं लगाना है आईलैशेस नहीं लगाना है और इसीलिए मैं मस्कारा थोड़ा अच्छे से अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत आराम से लगा रही हूँ भाई जैसे मैंने पहले बताया ये। तो मैंने मस्कारा लगा लिया है मस्कारा अप्लाई कर लिया है अब बारी आती है अब मैं लगाती हूँ काजल जो कि नियॉन का है। तो नियॉन का है तो पहले मैं ऊपर वाले इस पर लगाती हूँ लेसेस पे। करने में कितना टाइम लगता है अरे यार मैं कैसे अप्लाई करूँ। मैं ऊपर भी अप्लाई करने वाली थी बट हाथ में मेरे मिरर पकड़ूँ या फिर मैं अपनी आईलैशेस पकड़ूँ समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं। आप देख सकते हैं मैंने काजल अप्लाई कर लिया और सो गाइस मेरा आई मेकअप हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं क्लोज अप आपको दिखा रही हूँ और बहुत ही अच्छा हुआ है मैंने शैडो अप्लाई किया है मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है और मैंने लाइनर और मस्कारा अप्लाई किया है ज़्यादा कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया है। मैंने ये पैलेट से जैसे कि मैंने दिखाया मैं शैडो मतलब अप्लाई की हूँ तो मेरा आई मेकअप हो चुका है। तो अब बारी आती है आईब्रो फिल करने की तो अब चलते हैं आईब्रो फिल करने। तो अब मैं फिल करती हूँ अपनी आईब्रो तो मैं नेचुरल वे पे ही जाऊँगी मैं आउटर और इनर नहीं जाऊँगी। सो गाइस आप देख सकते हैं
मैंने अपनी आईब्रो फिल कर लिया है, थोड़ा सा लाइट ही किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है। और मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रो नहीं पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट ही कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है। तो अब बारी आती है फेस मेकअप की। तो फेस मेकअप में आप चलते हैं, लगाते हैं फाउंडेशन। लैक्मे का फाउंडेशन मैं अप्लाई करती हूँ अब। तो और मैं अपने हैंड के ले लेती हूँ थोड़ा सा, मैं इसको अपने फिंगर से मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग आज पड़ गई ब्लेंडिंग करने बोलने की, तो प्लीज़ गाइस माइंड मत करना। तो आप देख सकते हैं मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं तो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और तो टाइम लगाना है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से तो हमारे फेस पे पैच आ जाते हैं। और थोड़ा सा मैं और अप्लाई करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इसको डैब 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 करना है। फोरहेड अब हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अब मैं आईज के नीचे मैं अप्लाई करती हूँ कंसीलर। और क्योंकि हमारे आईज के अगल बगल डार्क सर्कल्स हैं तो उसको हाइड करना है, तो इसलिए मैं एक बार आई शेडो और अप्लाई करूँगी ताकि हमारी जो आई मेकअप है निखर के सामने दिखे। ब्लेंड करूंगी अभी इसे। ताकि हमारी आईब्रोज निखर के आए। और थोड़ा सा यहाँ और जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस दिखे तो आप वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ।
काफ़ी गुड ब्यूटी की लिपस्टिक थी, तो अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया, आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। आपको लिपस्टिक यहाँ से शुरू करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, मेरी लिपस्टिक लग चुकी है। तो सब बारी आती है फेस कंटूरिंग की, तो अभी मैं फेस कंटूर कर रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे हल्का हल्का ही करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी नोज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पतला है तो इसलिए मैं कमी करूँगी, तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दे रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा फोर है हाइलाइटिंग करनी है, थोड़ा सा रोज। और आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं। आप इस तरह का लुक को पार्टी में क्रिएट करके जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मेकअप करिए आप, मेकअप